नितिन जी आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई एक किसान इतने सालों से, इतने पीढ़ियों से खेत जोतता आ रहा है, उसको कमोडिटी पता है, उसको कमोडिटी का मीनिंग पता है, लेकिन उसको उस कमोडिटी का बिजनेस नहीं आता, उसको बिजनेस नहीं पता। एक ट्रेडर जो इतने साल से ट्रेड कर रहा था, वो कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा, हालांकि उसको कमोडिटी की भी नॉलेज है, उसको बिजनेस की भी नॉलेज है, क्यों नहीं कर पा रहा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो हम, हमारी एक्सेप्टेंस जो है, हम उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे, ये एक कारण हो सकता है सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया, या इसके अलावा कोई और दूसरा कारण है? क्योंकि आप फिजिकल मार्केट के अंदर बैठे हैं, आप और बेहतर बता सकते हैं। यही सवाल मेरा इसरा जी आपसे है, क्योंकि आप फिजिकल मार्केट के साथ भी कोरिलेट करे हुए हैं, फ्यूचर मार्केट के साथ भी कोरिलेट करे हुए हैं, आपका क्या कहना है युवराज जी? देखिए क्या है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि अजय जी ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को और कमोडिटीज को कंपैरिजन करना एक बहुत ही मतलब बोल सफा दोनों चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या हुआ है, इट हैज बीन अ डिसरप्शन, मतलब वो एक डिसरप्शन रहा है, एंड उसकी मार्केटिंग करने की इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसको टारगेट किया गया कि शॉर्ट टर्म गेन, इजी मनी एंड स्पेकुलेशन के बेसिस पे। तो जहां इजी मनी आ जाता है वहां पे एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं रहती है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी डेमोग्राफी का इंसान हो। एंड हमने भी देखे हैं पोंजी स्कीम, अगर हम बात करें तो थोड़े ही सालों पहले की बात है, भारत 250 करके कोई फोन लॉन्च हुआ था, कुछ कोई बहुत बड़ी लहर आई थी भारत में, उतनी ही जल्दी से वो चली भी गई। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा इससे क्रिप्टो का जो बेस है ब्लॉकचेन, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है अपना, लेकिन आगे कुछ हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है उसको हम कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। एंड कमोडिटीज की बात करें तो आज इंडिया में इट्स लाइक अ ब्लू ओशन। अगर हम मार्केट में चाहे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे लिक्विडिटी की बात करें, चाहे हम फिजिकल पार्टिसिपेंट्स की बात करें फिजिकल मार्केट में, चाहे ऑनलाइन मार्केट, तो ब्लू ओशन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोई से भी हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आर्बिट्राज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पार्टिसिपेंट हो, तो ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है ही एक्सचेंज के लिए। एंड अजय जी के पॉइंट पे मैं ये और ऐड करूंगा कि मार्केटिंग की जब बात करें तो एक्सचेंज को ये एक ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक टूल है जो कि अभी वो मिसिंग करते हैं अभी कि मार्केट आर्स के अंदर, जो पीक आर्स के अंदर पे अगर सही तरीके से, जैसा कि एग्जांपल लिया म्यूचुअल फंड का, तो कम्प्लीटली फेस गेम चेंजर टेक्निक थी म्यूचुअल फंड में, और एंड ओवर द पीरियड 3-4 साल के अंदर रिजल्ट दिखे भी है उसके। तो इस तरीके की कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी लानी बहुत जरूरी है जिससे कि ग्रासरूट लेवल पे एक जाए मैसेज जाए। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसे कहते हैं, मार्केटिंग चैनल कहते हैं एक्सचेंज को, वो भी बहुत जरूरी है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए। अब फिर वो चाहे ब्रोकर्स के थ्रू हो, चाहे फिर वो एक्सचेंज के डायरेक्ट एजेंट्स हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, एक्सचेंज को डिस्ट्रिक्ट वाइज पकड़ के या छोटे छोटे टाउन्स पकड़ के वो एक प्लान आउट तरीके से एक कैंपेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डेफिनेटली हम अरुण जी के साथ पे और सबके एनजीएक्स की पूरी टीम इस डायरेक्शन में प्रोएक्टिवली काफी काम कर भी रही है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एज मार्केट पार्टिसिपेंट हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली कि हम इस वर्ल्ड को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा पास ऑन करें। एंड डेफिनेटली वी हैव बीन डूइंग इट, सो